क्योंकि वो लड़की हम सबके जीवन में आफत बनकर आई। कितनी बार समझाया तुम्हें पर तुम बाज नहीं आती हो, उलझती रहती हो हमसे। जंगल मतलब महल के उस पार, हो सकता है जंगल में मुझे भागने का कोई रास्ता मिल जाए। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मुझे मंत्र साधना करनी होगी ताकि मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाएं, वरना मेरे शरीर से मेरी ये त्वचा यूं ही झुलस झुलस कर गिरती रहेगी। चिंता की बात तो ये है कि ये कहीं बाहर ना गिरी हो। क्या चीज है, हमें समझ में नहीं आ रही। रानी माँ, मैं आपकी चिंता नहीं बढ़ाना चाहती पर खबर ही ऐसी कि मुझे आना पड़ा। रानी माँ, राजमहल अदृश्य नहीं रहा, महल दिखाई देने लगा है। नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत, बहुत बुरा। इस महल को अदृश्य करने के लिए केवल मेरी ही नहीं बल्कि कई सारी डाकनियों की शक्तियां लगी थी। पर रानी माँ, इस महल को तो आपने अदृश्य किया था। मैंने अदृश्य किया था लेकिन इतने बड़े महल को अदृश्य करने के लिए केवल मेरी शक्ति काफी नहीं थी, इसीलिए मैंने ध्यान किया और डाकनी कुल की सभी डाकनियों से सहयोग मांगा और उन्होंने सहयोग दिया। उसके बाद उनकी शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई, फिर मैंने महल को अदृश्य कर दिया। उनका सहयोग, उनका त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इससे पहले कि सारा महल दिखाई देने लगे, मुझे मेरे डाक गुरु से प्रार्थना करनी होगी। अब शायद उनके आशीर्वाद से ही मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाएं। मुझे विश्वास है कि अब शायद मेरे डाक गुरु ही मुझे इस समस्या से उबारेंगे। मंदाकिनी, जब हम डाक गुरु से प्रार्थना शुरू करेंगे तो उसके प्रभाव से महल में कुछ बदलाव होंगे जिसे हमें अधिराज और उस आफत से बचा कर रखना होगा। आफत? हाँ, आफत, क्योंकि वो लड़की हम सबके जीवन में आफत बनकर आई है। इसलिए जब तक ये प्रार्थना संपन्न नहीं हो जाती, हमें अधिराज और उस आफत को महल से दूर रखना होगा। कनक, अधिराज और उस आफत को बाहर भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ, क्यों नहीं, इतनी बुरी किस्मत तो मेरी ही है ना। अपने होने वाले पति को पराई लड़की के साथ बाहर भेजना होगा, वो भी अकेले। उन दोनों को जंगल में भेजकर यहाँ जल्दी वापस आना। जी, क्योंकि मुझे एक और कार्य संपन्न करना है ताकि वो आफत हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। यही सही मौका अधिराज, इस घमंडी लड़की को यह दिखाने का कि अधिराज के महल की सफाई करना कितनी टेढ़ी खीर है। गीले फर्श पर क्यों चल रहे हो, रुक जाओ, जरा सूखने दो। ए घमंडी लड़की, तुमने हमें रोकने की कोशिश की, दासी होकर राजा के कदम रोक रही हो। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। इसे हिम्मत नहीं, बेशर्मी कहते हैं। कितनी बार समझाया तुम्हें पर तुम बाज नहीं आती हो, उलझती रहती हो हमसे। शायद अपमानित होने का शौक है तुम्हें। अब खड़ी क्या हो, अच्छे सफाई करो।
कोई परेशानी है? ठीक, पर अब नहीं है, क्योंकि जब परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाती है तब इंसान हल निकालना सीख ही जाता है। जैसे आवश्यकता बढ़ने पर आविष्कार किया जाता है, समझे? ये समझे समझे क्या लगा रखा है? कितनी बार समझाए तुम्हें, याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, तुम दासी हो, हम राजा हैं, दायरे में रहकर बात किया करो। और ये क्या, काम करने की बजाय तुम बातें बना रही हो, काम चोर। सही कह रहे राजा साहब, पर क्या करूं, इस महल में इतनी गंदगी है कि मुझ जैसी मामूली दासी क्या साफ कर पाएगी। पर हाँ, कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी नानी कहती है कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। रुक क्यों गए राजा साहब, आपको गीले में चलने का बहुत शौक है ना, तो चलिए मैंने आपके लिए और गीला कर दिया ये फर्श। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे रोकने से हम रुक जाएंगे? अधिराज के कदमों को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, समझी घमंडी लड़की? ये सारी चीजें मिली पर एक भी काम की नहीं। इंसान अमानत और यादें इतनी संभाल कर क्यों रखते हैं? इस चक्कर में पूरा घर कूड़ादान बना देते हैं। इतना कुछ देखा पर इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे सुनैना के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इस संदूक में जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कौन? अधिराज अब ठीक तो है? अगर हम समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। इस लड़की ने तो आपके हाथ पर तोड़ने का पूरा पूरा इंतजाम कर रखा है। जल्दी से सफाई करो यहाँ की, इसके बाद तुम्हें पूरे महल की सफाई करनी है। माँ उठ गई क्या कनक? नहीं, वो अभी भी सो रही है। तबीयत कैसी है उनकी, हमें उनसे मिलना था। हाँ हाँ, जब वो उठ जाएंगे तब उनसे मिल लीजिएगा। और वैसे भी रानी माँ को आपसे मिले बिना चैन थोड़े ना आने वाला है। आज सुबह से हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है हमें। अधिराज आप चिंता मत कीजिए, रानी माँ बिल्कुल ठीक है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप शिकार पे चले जाइए, आपका मन भी बहल जाएगा और हो सकता है जब तक आप वापस आए रानी माँ भी जग जाए। शिकार? हमारा शिकार करने का भी मन नहीं कर रहा है कनक। शुक्र है अम्बे माँ का, थोड़ी सद्बुद्धि तो दे दी। क्या क्या कहा तुमने? मैंने बस यही कहा कि आपने शिकार के लिए मना किया तो अच्छा लगा। वैसे भी किसी की जान इतनी सस्ती नहीं होती जिसे लेकर मन बहलाया जाए। तुमने बिल्कुल सही कहा कनक, आज हम शिकार करेंगे और वो भी जंगल का सबसे बड़ा शिकार। अधिराज इस दासी को भी साथ ले जाइए, वैसे भी आपको तीर और धनुष उठाने के लिए कोई नौकर तो चाहिए ना? बिल्कुल सही कहा तुमने कनक, हमारे मुंह की बात छीन ली। ए दासी, चलो हमारे साथ। ना मुझे शिकार करना है और ना ही किसी का शिकार होते देखना है, इसलिए ना तो मैं जाऊंगी और ना ही आपको शिकार के लिए जाने दूंगी। तो सुन लो, तुम हमारे साथ शिकार पर भी जाओगी और शिकार होते हुए भी देखोगी, और वो भी जंगल के बड़े बड़े जानवरों का, समझे?
जंगल मतलब महल के उस पार, यही मौका है। वैसे भी इसे रोक पाना मुश्किल है, हो सकता है जंगल में मुझे भागने का कोई रास्ता मिल जाए। सोच क्या रही हो? तो चलो। इसीलिए हम कहते हैं बहस करने का कोई फायदा नहीं है। दास दासियों को वही करना होता है जो राजा कहता है, इसीलिए अपनी जबान कम चलाया करो और जो हम कहें वो मान लिया करो। इससे हमारा भी समय बचेगा और तुम्हारी ऊर्जा भी। वही तो मैं भी बचाना चाहती हूँ राजा साहब। क्या? कुछ नहीं, जैसा आप कहे राजा साहब। बाहर जाने का रास्ता ढूंढने में जो समय और ऊर्जा लग रही है, बस वही तो बचाना है मुझे। तो चलो। आज उस डाकिनी के कारण मुझे मेरे अधिराज को अपनी सौतन के साथ वन विहार को भेजना पड़ रहा है। अरे आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब किसी काम से आए थे? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा नानी जी से मिलता जाऊं और आपसे भी, और फिर इधर आया तो देखा ये बच्चों ने सारा सामान फैलाया हुआ था। हम मुझे देखकर भाग गए। ये बच्चे भी ना, नानी और दीदी ने मिलके इन्हें बिगाड़ दिया। अब खड़े क्यों है? बैठिए ना, कल भी आप बाहर से ही चले गए थे। अधिराज और उस आफत के आने से पहले मुझे अपने सारे कार्य संपन्न करने हैं। माँ, इस डाकनी से पूछो ना कि हम ऐसे रसोई में क्यों लेके जा रही है, कहीं हमसे खाना तो नहीं बनवाने वाली। चुप हो जा चुड़ैल की बच्ची, कहीं सुन लेगी वो। चल चुपचाप चल। चंद्रलेखा, क्या हुआ? हम यहाँ क्या करने आए हैं? ये इस मूर्ति को यहाँ से बाहर निकालना है। चलो उठाओ इसे और महल से कहीं दूर जाकर रख दो इसे। ये संभव नहीं है चंद्रलेखा, इसके नाम से हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती है। अगर इसे छू लिया तो पता नहीं क्या होगा, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की चुड़ैल कहीं की? याद रखो, तुम्हारा काम है मेरे इशारों पर नाचना, तो जो जो कहती जाओ वो करती जाओ चुपचाप। चलो। देखो मेरी बात को समझो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और मुझे नहीं सुनना, नहीं पसंद है मंदाकिनी।
इसलिए किसी भी हाल में तुम्हें इस मूर्ति को यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर चाहे तुम्हें झटके लगे या तुम खत्म ही क्यों ना हो जाओ, बस मेरा काम होना चाहिए। माँ, मैं आपकी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। हाँ। काम नहीं हो पाया तुम दोनों चुड़ैलों से, ये काम भी मैं ही करूं? पानी क्यों पाल के रखा है मैंने तुम जैसे निकम्मों को? रानी माँ, कोशिश तो की हमने। कोशिश वो होती है जो कामयाबी दिलाए, वो नहीं जो हार का मुंह दिखाए। देख ली तुम्हारी कमजोर कोशिश, ये देख के लगता तो नहीं है कि तुम कभी सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन पाओगी। देखा चंद्रलेखा, तुम्हारी कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, नहीं कामयाब हो पाई क्योंकि मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं, वरना ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल था। देखो, मेरी बात को समझो और ठंडे दिमाग से सोचो, इस मूर्ति को यही रहने दो। इससे पहले कि मेरे गुस्से का कहर तुम दोनों पर बरसे, उठाओ उस मूर्ति को और ले जाओ बाहर महल से। मैं किसी दास को बुला के लाती हूँ। तुम क्या पूरा दिन हमारी बातें सुनते रहते हो? अपना काम करो, जल्दी करो, समय नहीं है मेरे पास। मेरी शक्तियां और भी कम हो रही हैं, जिसकी वजह से ये महल दिखाई दे रहा है, इसलिए ये मूर्ति यहां नहीं दिखनी चाहिए। से खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, उठाओ इसे। अच्छा, तो अब तुम करोगे घुड़सवारी? राजसी लोग हाथी घोड़े की सवारी करते हैं, तुम जैसे भिखारी नहीं। चुपचाप चलो मेरे साथ।
मौसम कितना सुहाना है, शिकार करने में बहुत मजा आएगा। जंगल में घूमती रहती थी पर कभी कोई महल नहीं दिखाई दिया। हे अंबे माँ, इतने बड़े महल पर मेरी नजर कैसे नहीं पड़ी। इतनी बार गुजरी हूँ मैं इस रास्ते से पर यहाँ तो कोई महल था ही नहीं। फिर अचानक एक बड़ा ही सुंदर महल था, राजमहल। डाकिनी ने मंदिर के शुभ असर से राजकुमार और खुद को बचाने के लिए ऐसा मंत्र पढ़ा कि रातों रात वो महल गायब हो गया। शायद नानी सही कह रही थी, ये वही अदृश्य महल है। क्या बड़बड़ा रही हो? अब समझा, तुम अंबे माँ से प्रार्थना कर रही हो कि जंगल के सारे जंगली जानवर अदृश्य हो जाए ताकि हम शिकार ना कर पाए। तो सुन लो, आज ऐसा शिकार करेंगे हम, ऐसा शिकार करेंगे तुम देखते रह जाओगी। तुम पहले जरा रास्ता देखो वरना ऐसा ना हो इस घने जंगल में भटक कर जंगली जानवर के बीच जा पहुंचो। इतना तो पता होगा ना तुम्हें, जंगली जानवर भी जानते हैं शिकार करना। कहाँ चली गई है लड़की? हम माँ को क्या जवाब देंगे? हम यही कहीं गई होगी, सभी पकड़ कर लाते हैं। मेरे बच्चे की रक्षा करना माँ। अब आगे कैसे जाओ, यहाँ तो गहरी नदी है। पहले तो सुना ही था कि आगे कुआ पीछे खाई और आज देख पे लिया, अब भाग कर दिखाओ। इस दुष्ट अधिराज को उसके इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगी।